हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यात्रा वीडियो की व्लॉग। दिन हो या रात, यात्रा करेंगे साथ। सो गाइस, मैं हूँ अभी भी चंडीगढ़ में और आज है 9 दिसंबर। एंड यार, काफ़ी दिन हो गए मेरे को चंडीगढ़ में, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज तो हो चुके हैं। 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में मैं यहाँ पे आपने लास्ट वाले ब्लॉग देखी होगी, सीटें साफ की, सीट्स ली अपनी गाड़ी के लिए। तो अब फाइनली घर जाने का टाइम आने वाला है, तो कुछ दिनों में सीट फिट हो जाएगी। कल मेरी गाड़ी आ जाएगी तब हम जिप्सी में जाएंगे सीट फिट। तो उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट व्यू टेकिंग व्यू में। देखो यार, ये व्यू कैसा लग रहा है, हल्की सी झलक देखो तो मज़ा आया ना यार ये देखने का। तो सोचो इस पूरे ब्लॉग में 5 मिनट का ब्लॉग रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा व्यू टेकिंग व्यूज मिलेंगे। मैं अपनी मेमोरीज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो मेरे को सबसे अच्छी अच्छी मेमोरीज रखी अपने एक्सपीडिशन में। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, व्यू टेकिंग व्यूज, ग्लेशियर, माउंट फ्रेंडशिप पीक यार 5 to 8-9 meters। तो डायरेक्टली चलते हैं ब्लॉग में, देखो यार ब्लॉग। Here, यात्रा विद योगी ब्लॉग फैमिलीज, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मनाली। तो मनाली से हमने स्टार्ट किया अपना एक्सपीडिशन फ्रेंडशिप पीक के लिए। और ये देखो आप फ्रेंडशिप पीक, इट्स 5 to 8-9 meter एंड लोकेटेड इन मनाली। तो ट्रेनिंग करवाने के बाद और थोड़ा सा स्नोफॉल देखने के बाद हम लोग पहुँच गए थे कैंप 2। जितनी मेरे पास फुटेजेस थी उससे मैं इस ब्लॉग को फिर से बना रहा हूँ। एक्चुअल में ये ब्लॉग कभी शूट किया ही नहीं गया है। सो गाइज, प्लीज कीप सपोर्टिंग बिकॉज आई एम मेकिंग अ ब्लॉग फ्रॉम माई मेमोरी। एंड 7 सिस्टर्स हनुमान टिब्बा पूरी धोलाधार रेंज हमारे सामने और हम खड़े हैं पीर पंजाल रेंज में। एंड स्नोफॉल, एंड इट वॉज रियली अ ब्रीथिंग सीनेरियो सराउंड मी। और ये था हमारा कैंप 3 और नेगी। नेगी के पीछे देख लो यार फ्रेंडशिप पीक, जो क्लाउड्स में ढकी हुई है वाइट आउट। एंड यहीं से फर्स्ट टाइम देखा था मैंने माउंट हनुमान टिब्बा, जिसका व्लॉग आपको मिल जाएगा अभी स्क्रीन पे, लिंक आ जाएगा, क्लिक करो और आप हनुमान टिब्बा का एक्सपेडिशन भी देखो। व्हेन एल्टीट्यूड राइजेस एटीट्यूड फॉल्स। सो फ्रेंड्स, यू कैन फाइंड आउट माउंट फ्रेंडशिप एक्सपेडिशन आइटनरी इन द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो के एंड में आप आइटनरी देख सकते हो। तो मेरे इजरायली फ्रेंड गिरते पड़ते, हम ट्रेनिंग करते हुए इनको हम तैयार कर रहे थे समिट के लिए। इसके लिए हमने इनके इक्विपमेंट्स, बूट, क्रैम्पॉन्स और ये मी एंड माय टीम नेगी एनेस्थिया, इट वाज रियली अ गुड कंपनी देयर। आया तो इन वादियों में मुसाफिर बनकर था, पर साला मेरी रूह ने ही इन पहाड़ों को अपना घर मान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप for the summit, the day of the result. Surrounded by the glaciers और चढ़ रहे थे steep ascent बादलों के नीचे और आसमान के सामने, पिरामिड हमारे सामने, ग्लेशियर हमारे सामने, हर हर महादेव। तो थैंक यू महादेव, आई एम लकी कि मैं ऐसे ऐसे सीनेरियो अपनी आंखों से देख रहा था, ऐसे ब्रिथ टेकिंग सीनेरियो को फील कर पा रहा था। जो आप मेरे सामने ये वाली चोटी देख रहे हो, इसका जो स्ट्रक्चर है, इट वॉज रियली डिफरेंट। मुझे इसका नाम नहीं पता और इस टाइम थे हम फ्रेंडशिप पीक के टॉप पे 5 to 8-9 meters पे। तो यहाँ पे पहुँच गए, हमने अपना धूप बत्ती किया और जो इसकी सराउंडिंग थी हनुमान टिब्बा, इट वॉज अमेजिंग। सो धूप बत्ती करने के बाद, और ये देख लो मैं परेशान सा घूम रहा हूँ, परेशान सा भटक रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ यार, बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को यहाँ पे। आई वॉज कन्फ्यूज फॉर व्हाट, नीचे जाने का मन नहीं कर रहा था यार, इसलिए कन्फ्यूज था बहुत। तो ये मेरे इजरायली फ्रेंड, हमने समिट मारा था। शी इज एनेस्थिया एंड शी इज़ अ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब ये मेरी इतनी अच्छी दोस्त है यार, बेलारूस से है। शी इज़ लाइक, ऐसे दोस्त मिलना ना बहुत मुश्किल होता है। और इसके साथ मैंने देव टिब्बा, फ्रेंडशिप पीक दोनों सबमिट किया हुआ है। शी इज़ अ वेरी गुड क्लाइंबर, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड क्लाइंबर। लेट्स जम्प ऑन द आइटनरी गाइस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मनाली से। मनाली से ड्राइव करते हुए आप जाओ पलचान, सोलंग, सोलंग विलेज को विजिट करते हुए आप पहुँचते हो डायरेक्ट धुंधी विलेज। तो धुंधी से होती है पैदल यात्रा शुरू। तो धुंधी से आप पैदल चलना स्टार्ट करोगे तो चलते 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 आप पहुंचोगे
लॉली ताज, और लॉली ताज ताज से पहले मिलेगा आपको विमास का बेस कैंप जहाँ पे विमास की ट्रेनिंग होती है। तो अभी यहाँ पे आपको दिखेगा वो, और ये दिख रहा होगा आपको बकर ताज विमास बेस कैंप, और ये है लॉली ताज। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैंप लगता है डे वन। एंड आप अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हो स्क्रीन के ब्यास कुंड, तो यहाँ पे ब्यास कुंड होके भी एक रास्ता जाता है, पर हमने पकड़ा है लॉली ताज से। एंड नेक्स्ट डे हमारा कैंप लगेगा लेडी लेग कैंप, तो लेडी लेग से हम मारते हैं डायरेक्ट समिट। तो लेडी लेग कैंप की हाइट है 15,300 meters। एंड आप ये देख रहे हो फ्रेंडशिप पीक, तो डायरेक्ट यहाँ से समिट होता है, ये है फ्रेंडशिप पीक 5 to 8-9 meters। एंड यहाँ से आप नीचे देख लो यार, यहाँ से सब कुछ दिखाई देता है, जैसा आप देख रहे होंगे ब्लॉग में वैसा ही गूगल अर्थ में आपको दिख रहा होगा, नीचे बुरवा और इस साइड को मनाली, सोलांग, पलचान, वशिष्ठ।